भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभाओं में दतिया विधानसभा में सर्वाधिक मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा मतदान होने पर कलेक्टर संदीप माकी ने भी सभी मतदाताओं का आभार प्रकट किया है। लोकसभा निर्वाचन के तीसरे चरण के अंतर्गत दतिया जिले में मतदान शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। जिले की तीनों विधानसभा में मतदाताओं ने अति उत्साह पूर्वक मतदान किया। इसके लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार माकी ने सभी मतदाताओं को लोकतंत्र के इस महापर्व में उनकी ज्यादा से ज्यादा सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया। कलेक्टर संदीप माकी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 2 चरणों में हुए लोकसभा निर्वाचन में मतदान प्रतिशत कम रहा था। इसी के चलते उन्होंने दतिया जिले के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के स्वीप कार्यक्रमों के माध्यम से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए थे। इसी का परिणाम है कि भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र के दतिया जिले का मतदान प्रतिशत पिछले लोकसभा निर्वाचन 2019 में प्राप्त मतदान प्रतिशत से लगभग 1.25% अधिक हुआ। पिछले बार 2019 में जहां 62.2% मतदान हुआ था, वहीं अभी प्रारंभिक आंकड़ों में उक्त मतदान 63.36% हो चुका है और उसमें डाक मतपत्र सम्मिलित होना शेष है। पूरे लोकसभा में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत विधानसभा क्षेत्र 22 दतिया का रहा है, जहां 66.78% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं नगर परिषद इंद्रगढ़ के पोलिंग क्रमांक 151 में 82.36% मतदान हुआ, जो नगरीय निकाय क्षेत्र में सर्वाधिक है। जिले में कुल 2,22,808 मतदाताओं में से 1,48,781 मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। दतिया विधानसभा के कुल 81,648 पुरुष मतदाता जो 69.53% हैं तथा 67,131 महिला मतदाताओं जो कि 63.72% है मतदान किया गया है। कलेक्टर संदीप माकी ने बताया कि सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लाइनें लगना प्रारंभ हो गई थी और इसकी परिणति मतदान समाप्ति तक 63.31% पूरे जिले के मतदान के रूप में ही रही। इसमें विधानसभा दतिया के मतदाताओं का जोश निश्चित रूप से सराहनीय है तथा जिला प्रशासन जिले के सभी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता है। सिब्रमन सिंह राठौर की रिपोर्ट। कि दतिया जिले ने इस बार, अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव से इसको मिलान करते हैं, तो पिछले लोकसभा चुनाव से भी करीब 25% से अधिक वोट इस बार डले हैं, जिसमें 3 विधानसभाएं हैं। 3 विधानसभाओं में भी अगर बात की जाए तो सर्वाधिक मत जो है दतिया विधानसभा के बढ़े हैं और दतिया विधानसभा पूरे लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान वाली विधानसभा बनकर उभरी। इस बार हम देखते हैं कि करीब 63.36% टू बी प्रिसाइज जो है वोट पड़ा दतिया जिले का। लेकिन जहां तक दतिया विधानसभा की बात की जाए तो यहां 66.78% मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया। यहां पे 2,22,808 मतदाता थे, उनमें से 1,48,781 मतदाताओं ने हिस्सा लिया। हालांकि ये अभी प्रारंभिक आंकड़े हैं, इनमें और सुधार होना है और इसमें पोस्टल बैलेट और ETBBS भी अभी जोड़े जाना है। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत ही अच्छी संख्या है। यहाँ पर पुरुष मतदाता इन 1,48,781 में से 81,648 पुरुष मतदाता थे और 67,131 महिला मतदाता थी, अर्थात पुरुष मतदाता 69.53% पुरुष मतदाता और 63.72% महिला मतदाताओं ने इस महायज्ञ में भाग लिया दतिया विधानसभा से। सुबह से ही आप देख रहे थे कि लाइनें लगना प्रारंभ हो गई थी और ये मतदान समाप्ति तक चलती रही। 63.31% वोट पड़ना दतिया विधानसभा, दतिया लोकसभा क्षेत्र जो भिंड दतिया का सर्वाधिक एरिया जो है भिंड जिले में है, लेकिन दतिया जिले ने जो इतना मतदान किया है तो पूरे लोकसभा क्षेत्र के औसत में वृद्धि हुई है। और इसमें भी अगर बात की जाए दतिया जिले में, तो दतिया विधानसभा का सबसे अधिक इसमें योगदान है। यहाँ के मतदाताओं का जो जोश देखा, उसको जिला प्रशासन उसको एक्नॉलेज करता है और सभी जो सुधी मताधिकार करने उपयोग करने वाले मतदाता हैं उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता है।